नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। राशि चक्र की 12 राशियों में कुंभ राशि सबसे अधिक मित्रता की राशि होती है, यानी कुंभ राशि के लोग जो भी महिला पुरुष होते हैं उनमें मित्रता के गुण बिल्कुल कूट कूट कर भरे होते हैं। अपने उद्देश्य के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार होते हैं, जो भी काम करना है उसमें पूरी ईमानदारी दिखाते हैं। कुंभ राशि वाले दृढ़ इच्छा शक्ति वाले, अगर सोच ले कि ये करना है तो करना है, ना सोचें तो फिर कुछ भी ना करें। अगर मन में आ गया कि ये काम करेंगे तो फिर करेंगे, और मन में आ गया ये काम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। आप दूसरों की बातों में नहीं आते हैं और अपनी बात के पक्के होते हैं। दूसरे की सुनते रहेंगे, हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे, हूँ हाँ चलता रहेगा, लेकिन करेंगे वो जो आपको सही लगता है। संयम और गंभीरता से समस्याओं और परेशानियों और तनावों से आप निकल जाते हैं, और विपरीत परिस्थितियों को हल करके उनका सामना करके आप मुसीबतों से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, और कई बार तो दूसरों को भी निकाल देते हैं। समस्याओं को पूरी तरीके से समझकर, पूरी तरीके से उन पर सोच विचार कर ही निर्णय लेते हैं, जल्दबाजी में काम नहीं करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, सबकी सुनेंगे, हाँ में हाँ मिलाएंगे, दिमाग दौड़ाएंगे, लेकिन अंत में फैसला वही लेंगे जो सही होगा। जब तक कोई काम जरूरी ना हो, जब तक कोई काम अनिवार्य ना हो, तब तक आप निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेते हैं, पूरा वक्त लेते हैं, सोच समझ के लेते हैं। हाँ, अगर जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना है तो फिर बहुत ही उसमें अनिवार्यता होगी, वक्त की कमी होगी, या कोई बहुत बड़ा फैसला लेना होगा और जिसमें वक्त की कमी होगी। जब तक काम आराम से होता है आराम से करेंगे, जब लगता है कि हाँ जल्दबाजीपन चाहिए तो कर भी लेते हैं जल्दबाजीपन। आप किसी के दिल को दुखाना पसंद नहीं करते हैं। कुंभ राशि के जातक या जातिका तर्कवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और सही तरीके से बात करते हैं जो सही होती है, यानी बात को इधर उधर घुमाते नहीं है, हर समस्या का हल निकालने में कामयाब होते हैं। झगड़ों विवादों में आप फंसते नहीं हैं या इन सब में अपना वक्त नहीं गंवाते हैं, और आप इन सब चीज़ों से दूर भी रहते हैं और इन सब चीज़ों से आप बच कर रहते हैं, झगड़े और विवादों से, और दूसरे की हानि भी नहीं करते हैं। ना कोई आपकी हानि करे, ना आप किसी दूसरे की हानि करें। आप सभी के बारे में सोचते हैं कि हाँ, अगर मैंने ये गलत किया तो इसको ये नुकसान होगा, उसने वो ये किया तो ये होगा तो वो होगा, यानी सोच समझ के फैसले लेते हैं। जैसे आपको दुख होता है वैसे आप महसूस करते हैं कि दूसरे को भी दुख होता है, यानी दूसरे की पीड़ा को समझते हैं उसके बाद फैसले लेते हैं। कुंभ राशि के लोग बहुत बढ़िया लोग होते हैं, अच्छी परिस्थितियों को समझते हैं और परिस्थितियों के अनुसार ही खुद को ढाल लेते हैं, यानी कि एकदम फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसा देश वैसा भेष, जैसा वक्त वैसे आप। आपके साथ जो भी लोग होते हैं, चाहे परिवार में हो चाहे कार्य क्षेत्र में हो, उनके बारे में सोचते हैं और बहुत महान विचार होते हैं, आप दयालु होते हैं, दूसरे की भला के बारे में सोचते हैं और अपने मित्रों की भलाई के बारे में सोचते हैं। उनके लिए कुछ करने का जज्बा होता है, उनकी समस्याओं को निपटाना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना कहीं ना कहीं आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। इसलिए रात में 12 बजा हो या 4 बजा हो, अगर कोई मित्र फ़ोन करे तो आप फ़ोन उठा लेंगे। अगर आपका मित्र कोई दरवाज़ा खटखटाए तो रात में 3 बजे भी आप उसकी मदद के लिए खड़े हो जाएंगे। मित्रों के लिए आप हथेली पर जान लेकर चलते हैं। कुंभ राशि के जातकों को रक्त संचार धीमा होने की वजह से हाथ पैर में ठंडापन महसूस होता है, जो उनका खून का बहाव है शरीर में, ये इनके लिए जब धीमा पड़ता है तो बीमारियों का संकेत इनको मिलता है। प्रदूषण की वजह से इनकी बीमारियां बहुत बढ़ जाती हैं, जब भी प्रदूषण का ये एयर प्रदूषण होता है इनसे इनको बीमारियां बहुत हो जाती है, एलर्जी वगैरह हो जाती है। बीमारी इनकी जो है, इनको इन सब चीज़ों से थोड़ा बच के रहना चाहिए, अपने एक्सरसाइज करते रहना चाहिए जिससे खून का दौरान बढ़िया रहे, प्रदूषण हो तो मास्क वगैरह लगाएं। इनकी एक कमजोरी ये होती है बीमारी को लेकर कि जैसे टीवी पर या किसी भी सोशल मीडिया पर कोई ऐड आ रहा है कि फला फला दवाई खाइए इससे ये हो जाएगा, तो ये विज्ञापन देखते हैं। विज्ञापन में जो काम करने वाला, मान लीजिए कि उस विज्ञापन में कोई हीरो है या कोई हीरोइन है जो बड़ा नामी है, ठीक है ना, उसने उसमें एडवर्टीजमेंट कर दिया, तो ये उसको सही समझ बैठते हैं क्योंकि भोले होते हैं, तो इनको लगेगा कि हाँ ये इतनी बड़ी हस्ती जो है ये सही बोल रही है, जबकि उस व्यक्ति को तो सिर्फ नाटक करने के पैसे दिए गए, वो कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है। तो आप जो डॉक्टर अगर दवा लिखेगा आपको किसी पर्चे पे, आप
उसको लेने की बजाय किसी विज्ञापन वाली दवा पर ज्यादा चले जाएंगे, क्योंकि आपको उस सेलिब्रिटी पर विश्वास हो जाएगा कि हाँ देखो ये सब एक्टिंग है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा फंस जाते हैं जिसमें आप अपना नुकसान कर बैठते हैं, यानी कि बातों में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जो बड़े बड़े एक्टर हैं, बड़ी बड़ी हीरोइन हैं या हीरो हैं या बड़े बड़े लोग हैं, वो डॉक्टर नहीं है। उनको तो पैसा दिया गया कि इस दवाई की तारीफ करो, ये है, तो आपके ऊपर वो जो उनका व्यक्तित्व है वो हावी हो जाता है और आप दवा के बारे में नहीं उनकी बातों में आकर दवाएं खरीद कर खाने लगते हैं और डॉक्टर की लिखी हुई छोटी सी दवाओं को नहीं खाएंगे, यानी शोबाजी में ज्यादा विश्वास रखते हैं। दांत में रोग या दांत में परेशानियां हो जाती हैं। मलेरिया का जब भी सीजन आता है तब आपको बचना चाहिए मच्छरों से, नहीं तो बीमार पड़ सकते हैं। आपके घर में सब कुछ वैसे बढ़िया रहता है, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होती, किसी को तकलीफ नहीं होती, आप दूसरों की तकलीफों में उनकी मदद करते हैं, चाहे अपने हों या पराए हैं, छोटे हों या बड़े हों, सभी के लिए आप कार्य करते रहते हैं। एक बार अपने लिए कुर्बानी दे देंगे लेकिन दूसरे का भला कर देंगे, चाहे शादीशुदा जीवन में हो, चाहे शादी से पहले की बात हो, चाहे शादी के बाद की बात हो, चाहे प्रेम संबंध हो, चाहे मित्रता हो, या स्कूल कॉलेज की लाइफ हो, यानी आप कुर्बानी देने में यकीन रखते हैं। दूसरे के लिए कुर्बानी देना आपको अच्छा लगता है या कहें आपकी आदतों में आता है। ये सब आपके सामने कोई बीमार, कोई तकलीफ में, परेशानी में बंदा आए और आपसे मदद मांगे तो आप उसकी मदद जरूर करेंगे, ये आपका एक अच्छा गुण है। इसीलिए मैंने सबसे पहले लाइन ये वीडियो शुरू करने से पहले बोली कि मानवता, मानवता आपके अंदर है, दया आपके अंदर है। शनि आपकी राशि के स्वामी है और मूलांक जो है वो 8 होता है, तो 8 नंबर जो है भाग्य में जो है ना, जो लाभ भाग्य से जो लाभ मिलता है उसमें हानि होती है, यानी भाग्य का सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। कई बार आप भाग्य के भरोसे रहते हैं तो आपको धोखा मिल जाता है किसी भी चीज में। आपको कर्म के भरोसे रहना चाहिए, आपका कर्म ही आपका भाग्य बनाएगा, आपका भाग्य आपका कर्म नहीं बनाएगा। इस चीज को जितनी जल्दी समझ लें उतना बेहतर रहेगा। आपको जो गठिया का दर्द हो सकता है, जॉइंट्स प्रॉब्लम हो सकती है, तो इन सब चीज़ों से भी आपको बच के रहना चाहिए। आप जानते हैं कि आपकी राशि जो है पश्चिम दिशा की तरफ आपको सफलता दिलाती है, पश्चिम दिशा को दर्शाती है आपकी राशि। तो कुल मिलाकर ये छोटी छोटी सी बातें जो थी मैंने आपको बताया आपके बारे में, तो ये छोटी सी जानकारी थी। अब हम एक बहुत विशेष और बहुत महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। अगर आपको इस दुनिया में राज करना है, इस दुनिया में टॉप पे रहना है, तो आपको मेरी ये बात माननी पड़ेगी। और वो क्या बात है, आइए अब मैं आपको बताता हूँ। एक सामान्य सी बात है, इसमें ज्योतिष भी है, विज्ञान भी है और ज्ञान भी है। तो अगर हम सुबह जल्दी उठने लग जाएं, सभी कुंभ राशि वाले लोग सुबह जल्दी उठने लग जाएं, तो आप जिंदगी में बहुत कुछ पा लेंगे और बहुत बड़ी सफलता पा लेंगे। आजकल जो आदत हो गई है देर रात तक काम करना, देर रात तक जागना, मोबाइल पर लैपटॉप पर लगे रहना, ये आदत को आपको छोड़ना होगा। अगर आप किसी बड़े व्यापारी, किसी भी बड़े व्यापारी, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो विदेश का हो, किसी भी बड़े व्यापारी की जीवनी को पढ़ें, यानी उसके बारे में जो उसने अपने बारे में लिखा, जब वो सफल हो गया तो सफलता के बाद जब उसने अपनी किताब लिखी कि मेरी सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था, चाहे वो कोई सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो प्राइवेट व्यापारी हो, या कोई खिलाड़ी हो, या कोई धर्म प्रचारक हो, यानी किसी भी क्षेत्र में जिसने सफलता पाई है और बहुत बड़ी सफलता पाई है, जब भी उसने अपनी किताब लिखी, अपनी जीवनी लिखी, या किसी भाषण में बोला, किसी ने प्रश्न किया कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो अनेक राज्यों में से एक सबसे कॉमन, अगर आप 500 लोगों के बारे में या 1000 लोगों के बारे में पढ़ेंगे तो ये कम से कम 900 लोगों के बारे में निकल कर आएगा कि ये एक कॉमन बात थी उनकी सफलता पाने में। तो चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो नौकरी वाला हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो खेल कूद में हो, चाहे वो सोशल नेटवर्क में हो, चाहे वो धर्म के रास्ते पर हो, तो उसकी में एक चीज सब कॉमन थी सब में, वो ये था कि सुबह जल्दी उठने का गुण। वो सभी लोग सुबह जल्दी उठते थे। आप किसी को भी पढ़ के देख लीजिएगा, इस वीडियो को सुनने के बाद 100 ऐसे लोगों की लिस्ट निकालिएगा जो इस दुनिया में सफल हुए हैं, उनकी जीवनी पढ़िए, उनके बारे में पढ़िए, इंटरनेट पे पढ़िए, किताब लेकर आइए, मेरी बात सत्य साबित हो जाएगी। तो ज्योतिष और विज्ञान यहाँ पर दोनों लगते हैं। ज्योतिष ये कहता है कि सुबह उठेंगे तो सूर्य जैसी सफलता मिलेगी, सूर्य जैसे आसमान में सबसे ऊपर चमकता है, ग्रहों का राजा है, तो आप अपनी फील्ड में राजा बन जाएंगे। और विज्ञान ये कहता है कि जब सुबह उठते हैं तो दिमाग
दिमाग तेज होता है, बाकी सब चीजें स्मरण शक्ति बढ़िया होती है, वातावरण अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा होता है। मैं विज्ञान का बहुत बड़ा जानकार तो नहीं हूं, लेकिन छोटी छोटी बातें जरूर जानता हूं। तो ज्योतिष और विज्ञान दोनों कहते हैं कि जो भी लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनको जल्दी सफलता मिलती है। आप यकीन माने या ना माने, दुनिया के सभी सफल लोग जो हैं वो सुबह जल्दी उठकर ही अपनी जिंदगी को कामयाब बना पाए हैं। जब आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। आपकी राशि कोई सी भी हो, धर्म कोई सा भी हो, देश कोई सा भी हो, महिला हो या पुरुष हो, बच्चे हो, सूर्य की रोशनी, जब सुबह का उगता हुआ सूरज की रोशनी आपके शरीर पर, आपके आपके पूरे व्यक्तित्व पर पड़ती है, तो फिर आप सुखी हो जाते हैं, धनी हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, सूर्य के समान चमकने लगते हैं। आप किसी भी व्यापार में हो, शिक्षा में हो, सेहत में हो, हर जगह पर आपको सफलता मिलेगी। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए कि सुबह उठना जरूरी है। बड़े बुजुर्ग इन सब चीज़ों को बहुत पहले से जानते थे। जो देर से सो के उठते हैं उनके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ आती है, वो होता है आलस। और दुनिया में वही लोग नाकामयाब हैं जो देर से सो के उठते हैं। और देर से सो के उठने वाले लोगों में और जल्दी उठने वालों में एक ही चीज़ होती है कि जैसे एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, इसको कभी भी आप आजमा लीजिएगा। आपके घर के पास में कोई बाग बगीचा होगा या आपके घर में बाग बगीचा होगा, तो सुबह सुबह कोई जब फूल खिलता है तो कोई भंवरा या कोई तितली आता है, उस पर बैठता है और सारा रस चूस कर ले जाता है। और उसके बाद वो कोई भंवरा अपनी छत्ते में ले गया, तितली ने सारा रस चूस लिया। उसके बाद जब जैसे जैसे दिन बीतता है उसके बाद दूसरी तितलियां आती जो लेट होती हैं, उनको कुछ नहीं मिलता, उनको ना रस मिलता ही है ना सुगंध मिलती है, उनको सिर्फ वो मिलती है जो चीज होती ही नहीं है, वो बस उसमें अपना समय व्यर्थ करते हैं। तो इसलिए जो लोग सुबह उठते हैं जल्दी, वो लोग इस दुनिया का ज्ञान और प्रकाश लेकर सफल हो जाते हैं, बाकी लोग उनके पीछे पीछे चलते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा, एक छोटी सी बात है, ये आपके माँ बाप ने भी आपको बचपन से सिखाई होगी, ये आपने किताबों में भी पढ़ी होगी, हर जगह पढ़ी होगी कि सुबह जल्दी उठना है और आप चाहते भी हैं कि जल्दी उठना आप शुरू करें। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि सुबह जल्दी कैसे उठा जाए, कैसे हम अपने आप को तैयार करें कि हम जल्दी उठ जाएं। तो जल्दी उठिए और इस दुनिया की जो सफलता का रस है उसको जल्दी से समेट कर अपने जीवन में खुशियां और सफलता पा लीजिए। और आपको बिल्कुल इस बात को मत कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये ज्योतिष नहीं है, ये तो एक सामान्य सी बात है। जी हाँ, अगर ये सामान्य सी बात है तो आपने अभी तक अपने जीवन में लागू क्यों नहीं की। और जिन लोगों ने लागू की है वो लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि उनको क्या लाभ मिला, ताकि बाकी लोग सीख सके। अब मेरा उद्देश्य ज्योतिष के माध्यम से भी आपको सफलता दिलाना है, और मेरा उद्देश्य जो आप गलतियां कर रहे हैं उसके माध्यम से भी सफलता दिलाना है, ताकि मेरे को देखने वाले, मेरे को सुनने वाले लोग जीवन में कभी पीछे ना रहें, चाहे वो किसी भी राशि के क्यों ना हो। और सूर्य पिता है और सूर्य तरक्की है, और जो सुबह उठता है उसको तरक्की अवश्य मिलती है और उसको सूर्य का आशीर्वाद मिलता है। ग्रहों के राजा का आशीर्वाद जिसको मिल गया वो सफल होकर ही रहता है। और एक बार आप आदत डाल लीजिए, फिर आप कहेंगे कि अब तक मैं मूर्ख था जो बिस्तर पर सोता रहता था, अब मैं अच्छा इंसान भी बन गया हूं और मेरे विचार भी अच्छे हो गए हैं और मेरी कामयाबी भी दुगनी हो गई है। तो वो तितली बनिए जो ताजे खिले फूल का रस चूसती है और अपने जीवन में मिठास लेकर जाती है। वो भंवरा बनिए जो कहते हैं ना, धार का पहला रस लेकर मिठास को जीता है। लाइन में मत खड़े होइए, दूसरा तीसरा नंबर आपका लगेगा। जल्दी उठिए, पहले नंबर पे पहुंचिए, बहुत सारे फूल, बहुत सारे भंवरे आपका इंतजार कर रहे हैं आपको खुशियां देने के लिए। तो उम्मीद करता हूं आपने अपनी राशि के बारे में जाना, अपने बारे में जाना, और उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने आपको एक टिप्स दी इसको भी आप जीवन में अपनाएंगे। और अगली वीडियो का इंतजार करें कि सुबह जल्दी कैसे उठना है और कैसे अपने काम करने हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको कमी लगे वो सब जरूर लिखिएगा। हरिओम, नमस्कार।